दलपतपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर पर एक युवक द्वारा 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए इसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक सागर सहित अन्य जगहों पर की है। युवक उदल सिंह लोधी पिता हरदेव सिंह ने शिकायत की है कि वह दलपतपुर शाखा का ही बीसी हूँ। उसे शाखा प्रबंधक ने बिजनेस का झांसा देकर 5 लाख रुपए लिए। यह रुपए उन्होंने उसके ऊपर लोन करके लिए। यह रुपए उन्होंने स्वयं की पत्नी के खाते में 90,000 एवं रिश्तेदार रामकुमार मीना के खाते में 1,08,560 रुपए एवं नाहर सिंह के खाते में 88,600 रुपए एवं दीपक खमेरिया के खाते में 23,000 रुपए चेक द्वारा और खुद के डेबिट कार्ड में 15,000 रुपए, केशंती मीना के फोनपे में 5,000 रुपए लिए एवं 1,70,000 रुपए नगद लिए। ऐसे उन्होंने 5 लाख रुपए लिए, जो स्टेटमेंट में है। जब उदल सिंह ने कुछ दिन बाद मैनेजर बालमुकुंद मीना से कहा जो रुपए लिए थे वापस दो, तो कहने लगे कि कुछ दिनों में दे दूंगा। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर कहा तो मैनेजर कहने लगे काहे के पैसे कब दिए, धमकी देने लगे, कहने लगे जो तुम्हें दिखे कर लेना, एक आवेदन दे दूंगा तो तुम्हारी बीसी आईडी बंद हो जाएगी और एक आवेदन में तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। वह सरकारी कर्मचारी हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा तो मैं ट्रांसफर भी करवा लूंगा, तुमको ही भरना पड़ेगा लोन और प्रति माह 11,500 की किस्त भी जबरन जमा करवाते हैं। किस्त जमा नहीं करने पर बीसी आईडी पर होल्ड लगा देते हैं, मानसिक पीड़ा भी देने लगे। उदल सिंह लोधी ने उचित कार्रवाई की मांग की है। आपके साथ मैं दलपत, मेरा नाम उदल सिंह लोधी है। मैं दलपतपुर बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वीसी हूं। मुझे मेरे मैनेजर द्वारा 5 लाख की ठगी की गई है, जिसमें उन्होंने बिजनेस का झांसा देकर और लोन किया हमारे ऊपर। लोन के बाद इन्होंने जो ब्लैंक चेक पर साइन करवाए थे, साइन करवा के इन्होंने वो पैसा स्वयं की पत्नी के खाते में, स्वयं के रिश्तेदारों के खाते में एवं कुछ पैसा उन्होंने नगद भी लिया है और फोन पे डेबिट कार्ड के माध्यम से भी इन्होंने खुद के खाते में हमसे डलवाया है। जिन्होंने ठगी की, क्या नाम है उनका? नाम है श्री बालमुकुंद सिंह मीना। दलपतपुर के मैनेजर हैं बैंक जी, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच दलपतपुर के ब्रांच मैनेजर हैं। किससे नौकरी का झांसा दिया था? कोई कंपनी बता रहे थे जी, क्यूनेट वगैरह कंपनी, जिसमें से यानी कि जिस कंपनी का इन्हें बताया था वो हमारा पैसा कंपनी में नहीं गया। अगर हमारा पैसा कंपनी में जाता तो मैं कंपनी से लड़ता। इनने वो पैसा स्वयं की पत्नी के खाते में और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। अभी कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? मैंने अब दलपतपुर चौकी दिया था, बंडा थाना दिया था, एसपी कार्यालय दिया था और क्षेत्रीय कार्यालय में दिया था, एलडीएम सर के लिए भी दिया था। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बैंक संबंधी बड़े भ्रष्ट अधिकारी क्या कहते हैं? मैं कल भी गया था और वो कहते हैं हम देख लेंगे देख लेंगे, इतना कह के हमें भगा देते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए, अगर जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए उसके ऊपर।